चंद्रयान 2 से अब भी उम्मीद है बाकी। लैंडर विक्रम को ढूंढ निकालने के बाद इसरो विक्रम से संपर्क साध पाएगा भी या नहीं, यह सवाल उमड़ उमड़ कर लोगों के जहन में आ रहा है। 3 पड़ावों को पूरा करने के बाद आखिरी पड़ाव में लैंडर का संपर्क पृथ्वी से टूट गया, जिसके बाद इसरो ने चांद से महज 2 किलोमीटर पहले संपर्क टूटने के 3 दिन बाद ही लैंडर विक्रम का पता लगा लिया था। लेकिन अभी तक लैंडर में किसी भी प्रकार के बाहरी नुकसान की खबर नहीं आई है। इसरो के अधिकारी ने कहा है कि लैंडर टूटा नहीं है। वैज्ञानिक लैंडर विक्रम से संपर्क स्थापित करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लैंडर विक्रम के हार्ड लैंडिंग होने की वजह से लैंडर चांद की सतह से टकराकर टेढ़ा हो गया था, जिसके कारण लैंडर का एंटीना शायद चांद की सतह में धंस गया है। ऐसे में तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है जब तक लैंडर विक्रम का एंटीना ऑर्बिटर या ग्राउंड स्टेशन की दिशा में घूम न जाए। आपको बता दें, ऑर्बिटर ने ही लैंडर विक्रम के चंद्रमा के सतह पर होने की तस्वीर वैज्ञानिकों से साझा की है, और इस वक्त ऑर्बिटर ही वो यंत्र है जो पृथ्वी और चांद के बीच लैंडर विक्रम को दोबारा जागृत करने की उम्मीद जगाए हुए है। ऑर्बिटर से चांद के पोलर रीजन का डाटा मिलता रहेगा। ऑर्बिटर रोवर से ज्यादा काम करेगा। रोवर का स्पेस एरिया महज 500 मीटर होता है, जबकि ऑर्बिटर अपने हाई पिक्सल कैमरा की मदद से 100 मीटर की ऊंचाई से पूरे चांद की जानकारी इसरो को साझा करेगा। ऐसे में चंद्रयान 2 के चांद की सतह से महज 2 किलोमीटर दूर संपर्क टूटने के बाद उसके चांद पर सही सलामत मिलने की खबर से थोड़ी उम्मीद मिली है। वो बात दूसरी है कि निर्धारित सतह से लैंडर ने 500 किलोमीटर दूर लैंडिंग की है, पर एक बात की तसल्ली है कि लैंडर विक्रम चांद की सतह पर ही मौजूद है। इसरो चीफ के सिवन ने साफ किया है कि अभी लैंडर विक्रम से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऑर्बिटर द्वारा खींची गई लैंडर विक्रम की थर्मल इमेज के बावजूद हम स्थिति के बारे में कुछ भी अपनी परिकल्पना अनुसार जवाब नहीं दे सकते हैं। इसरो पूरी कोशिश कर रहा है कि आने वाले 14 दिनों में लैंडर विक्रम से संपर्क साधा जा सके, लेकिन हमारे वैज्ञानिक निराश नहीं है। मोदी और पूरे देश की उम्मीदों से हौसला मिला है। हालांकि अगर लैंडिंग तय क्रियाकलाप से होती तो रोवर प्रज्ञान चांद के बारे में पूरी दुनिया को जानकारी दे रहा होता, और भारत ऐसा पहला देश होता जो चांद की सतह पर पहुंचकर वहां की जानकारी दे रहा होता। ऐसे में सवालों के सैलाब का उठना जायज है। अब सवाल यह है कि क्या लैंडर से संपर्क बनाने में इसरो कामयाब हो पाएगा? पलटे हुए लैंडर से कैसे संपर्क साधा जाएगा? तो इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर लैंडर के एंटीना का कम्युनिकेशन सिस्टम से संपर्क हुआ तो लैंडर विक्रम में ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसे गिरने के बावजूद विक्रम लैंडर खुद ब खुद खड़ा हो सकता है। आपको बता दें, लैंडर विक्रम में ऑनबोर्ड कंप्यूटर है जो खुद ही कई काम कर सकता है, जिसके जरिए कम्युनिकेशन सेंटर को कमांड भेजा जा सकता है। अब इसरो का यही प्रयास है कि किसी भी तरह एंटीना और कम्युनिकेशन सेंटर के बीच संपर्क साझा किया जाए, किसी भी तरह एंटीना ऑर्बिटर के सिग्नल्स को रिसीव करके वापस खड़ा हो जाए। साथ ही साथ इसरो लैंडर विक्रम से संपर्क टूटने की वजहों पर भी गौर फरमा रही है। इसरो यह पता लगाने की कोशिश में जुटा है कि संपर्क का टूटना अज्ञात कारणों से था या प्राकृतिक घटना का अंजाम था। अभी ये पता लगाना बाकी है कि इसरो पर रखा ट्रांसपोर्टर सुरक्षित है भी या नहीं। अभी तक कम्युनिकेशन स्थापित करने में असमर्थ रहा है, पर उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। आने वाले 14 दिन बेहद उम्मीद भरे गुजरने वाले हैं। भारत इतिहास के पन्नों में एक और नाम जोड़ पाएगा या अभी थोड़ा समय लगेगा, इसका जवाब भी इसरो जल्द ही हमें दे देगा। धन्यवाद।